मुझे एकदम याद आया कि ये वीडियो मतलब ये फातिमा के ऊपर काम करती थी। मेरी डिस्को लुक को क्रिएट करते हुए ये आज मम्मा मेरी प्यारी चुपली पे पाँव क्यों रखा है? ऐ कछिया अंबिया था मैं आंधी चब के खा दी। क्या नहीं उतर आंखों से क्या ये चल स्टार्ट कर रही है। मैं छोटी लग रही हूँ। लाइटिंग ही सही हो रही है। एक मिलके एक शॉट ले ले इंस्टाग्राम। ये हमारे पास जो हमने मार्फे यूज किया हुआ था ना वो वाला बहुत जल्दी में क्योंकि लाइट जा रही है। जब लाइट जा रही हूँ तो अभी किस किचन में बहुत वो हुआ है अंधेरा भी। ये बर्तन मैंने नहीं धोए। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है वहाँ ऐसे देखते जा रहे हैं कि क्या करें। अब चले आए हम लोग बाहर चलते हैं देखने के बाहर कैसे की होते हैं वहाँ पे ना। हमारी लाइट नहीं बेसिकली सेट हो रही थी तो जब लाइट सेट हो रहा था ना तो कैसे ये देखेंगे हमारी सबसे अच्छी लड़की चल थोड़ी देर में। सो हमारी मॉडल जो है वो इस टाइम अप शूट करवा रही हैं एंड मैं वेट कर रही हूँ। क्योंकि तुम लोग सुबह लेट बहुत लेट उठे ओके आई एम द ओनली वन जो सुबह 8 बजे उठ के बोल रही थी यार उठ जाओ शूट पे जाना है शूट पे जाना है। तुमने लेट तुमने भी करवाया तुम्हारा भी प्रॉपर था तुम्हारा फिर बैग भूल गए घर और ठीक है। नीचे ही सेट्स नहीं लगे हुए बल्कि ऊपर भी सेट हैं मतलब काफ़ी जगह हैं। ये एक सेट मुझे बड़ा प्यारा लगा था थोड़ा सा ही ना हाथी शाथी पड़े हैं इसमें नकली ही सही लेकिन हाथी हैं। ये औरत अपनी टर्न का इंतज़ार कर रही है मुंह देखें इसका। वो आप लोग देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम सिस्ट्रोलॉजी टू माय सिस्टर हिरा फैसल जिसने 100K सब्सक्राइबर्स की ट्रॉफी जीती है। माशाल्लाह माशाल्लाह आपको तरक्की दे और इस तरह की बेल्ट्स जो कराटे में मिलती हैं आप वैसे ही जीतती रहें। मुझे वाली नहीं अभी अभी गोल्डन आने वाली है ना सिस्ट्रोलॉजी की तो जनाब फटाफट आप लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके ताकि हम वो भी डे सेलिब्रेट करें। बड़ा मजा आता है। अब मेरा शूट होने लगा है। मुझे क्योंकि ड्रेस की जो नौयत है ना वो ऐसी है। करे हाँ जी क्या कैसे करी थी पहले? ये लड़की ने अपना शूट कराना ऊपर मैंने कैसे बुला रही है आ रही हूँ बस। ये देखें अब फातिमा के चक्करों में मुझे जाना पड़ रहा है इन गंभीर चेयर से इतना वो फारिग हो गए हैं वो ऊपर आ रहे हैं। राबिया मैं तुम इस पर से ये एथनिक जोड़ा पहन के कैसे गुजरी हो? ऊपर के सेट में आपको दिखा दूँ ये देखें ऊपर के सेट देखें ऊपर के थोड़े लग्जरी हैं ये देखें कितने मज़ेदार हैं। हाँ जी फातिमा ये देखें इसका अपना कंटेंट बन रहा है बेचारी डरी हुई सहमी हुई राबिया बेचारी फोटोग्राफ अपना लेंस चेंज कर रहे हैं और ये अपना काम कर रही है और मुझे सिर्फ ऊपर ऐसे ही बुलाया मैं थक गई हूँ अब मैं जा रही हूँ। हाँ जी राबिया आपकी क्या इनका कुछ ख़त्म नहीं होने वाला मैं ही चलती हूँ वापस नीचे क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करना है मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लाइट जा रही है रोज़ा अफ्तार होने वाला है। मुझे एकदम याद आया कि ये वीडियो मतलब
ये फातिमा के ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि ये भी फारिग हुई है तो इसी के साथ ही करती हूँ ये खड़ी। फातिमा जिंदगी कैसी जा रही है? वो क्या है वो वाला, वो परिंदा क्या पागल यार, मुझसे सही हुआ ही। फातिमा हमारे बैग में नकली छिपली देख ली थी यार, कितनी बदतमीज हो तुम। This is so bad. ऐसे फातिमा यू आर नॉट गुड लड़की, खा रही है बदतमीजी, डरती नहीं अभी, मुझे पता लग गया तुम खा गई हो। तुम्हारे बैग में मैंने ऑलरेडी देख लिया। बाप को डराती है पीछे मेरी प्यारी चुपली पे, चुपली पे पाँव क्यों रखा है? ऐ कच्चियां अंबिया तो मैं आंधी चप के खा दी। ऐ कच्चियां अंबिया तो मैं आंधी चप के खा दी। कच्चियां अंबिया खा दिया ने, ये होता है हमारे साथ। मैं अपनी बहनों के साथ कुछ प्रैंक भी नहीं कर सकती, अगर कोई शाना है तो। क्योंकि मैंने तुम्हारे बैग में पहले ही देख ली थी, मैं इसका बैग में से कुछ पैसे निकालने गई थी तो देखा था अंदर ऑलरेडी ये पड़ी थी, मैंने कहा अच्छा हाँ ओके। वो देखे फातिमा, फातिमा यार उसके सामने तो ना सस्पेंस को, ये मेरा जो या अल्लाह हमारे पेट में इस वक्त चूहे नाच रहे और हाथ में इस वक्त चिपली। अब मैं इसे पकड़ लूँ वरना इससे इससे पहले ये हीरा या रब, हमारे घर में सबसे ज़्यादा वायदा वे हीरा डरती है इन चीज़ों से। लोग अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, ज्वेलरी जूते कपड़े रफा वेला, और मैं अपना ध्यान से नीचे जा रही हूँ ताकि मुझे कोई मसला ना, मुझे आवाज़ें पड़ रही हैं। वो देखें हीरा शूट करा रही है और मैं जा रही हूँ। और ये रिहन मेरी डिस्को लुक को क्रिएट करते हुए ये आज मम 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 अब इसको ग्लोसी करेंगे। मामा 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 इसके चार्जेस मैं तुमसे बाद में लूंगी। अच्छा ठीक है, ये तो वक्त बताएगा किसने किसके चार्जेस लेने हैं। ये शूज पहन लिए मैंने साथ में और मुझे इसमें से पिंक नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को सही। हाँ जी जा रही हूँ, बाय। मैं हमेशा लेट करा देती हूँ। चलो इन पाँव पे क्या गुजरी है, इस पाँव पे और इसके पाँव देख लें आप, ये हल्का सा दिखाऊंगी। ठुमका हो रही है, आखिरी शूट है ना मेरा, मेरा आखिरी ड्रेस है बस, इसलिए खुशी हो रही है इसको। और ये आप ही अपना शूट करते हुए, जो आज आप ही की लुक्स लग रही है ना वो बहुत डिफरेंट लग रही है, लाइक बहुत प्यारी वाली, अब पहले भी प्यारी लगती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट लग रही है। इस बाजी को सुकून नहीं है, ये बाजी चाहती है कि इसके ब्यूटी शॉट्स हो ही जाएं। अब सब ये पूरा स्टूडियो सब पैकअप हो रहा है, खाली हो रहा है क्योंकि रोज़ा इफ्तार होने में थोड़ा ही वक्त रह गया। और ये देखें लड़की लड़की के काम आते हुए, इनफैक्ट बहनें बहनों के काम आते हुए, मैं अपना चश्मा संभालते हुए, अपनी चीज़ें संभालते हुए, और अब आपके सामने। सो फ्रॉम माई साइड इट्स पैकअप, क्योंकि शूट ख़त्म हो गया और अब हम लोग घर जाएँगे, रुजफ्तार करेंगे या यहाँ करते हैं कि जाके करते हैं, लेट्स सी। ये क्या कर रही हो तुम? ये अपनी ना जो बटन लेके आई भी ना उसके यार, इसने प्रॉपर शोकियाँ मार ली। हम इसको तंग कर रहे हैं कि पूरा अचीवमेंट्स होती है आपकी, आपको देखे खुशी होती है सच में। तुम्हारी अचीवमेंट सारी दुनिया को पता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे जितने भी हमारे घर के चैनल हैं सबको। वाहिद एक वाहिद ट्रॉफी होगी जो मुझे जिंदगी में रियल मिली है, वरना ये नकली। आपको मैं बताऊं, फेल 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 फेल। एक बार इसने एडमिशन ली, एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी में ही, स्पोर्ट्स में इसने पार्टिसिपेट किया। दादा अबू को इतना शौक था कि ये लड़की जो है ना वो अच्छी स्पोर्ट्स के लिए, उनको बड़ा पसंद था कि मतलब मर्द औरत मर्द के साथ आना। मेरे पास एक रियल चीज है। वो क्या? वो है नहीं, मेरे पास मां है। क्रिकेट में मुझे सिल्वर मेडल मिला था और वो मेरे पास रियल पड़ा है। मुझे नहीं पता, वो मैंने तो नहीं कभी देखा। अच्छा मैं स्टोरी सुना रही हूं लोगों को कि इसने पार्टिसिपेट किया था, हार गई किसी तरह। मेरे पास रोती भी आई है अपनी, कुछ क्लास फेलो से आई है अपने पास से ना लगा। रोती भी नसन गया अपी, मैंने दादा अबू से प्रॉमिस किया था तब, मेरा इसका अभी फर्स्ट सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी में, तो मेरे काम में पूरी पूरी शामिल थी। इसने क्या किया कि जाके मार्केट से
₹10 का वो जो कप नहीं मिलता छोटा सा फर्स्ट टाइम वो लेके दिया और मैं खुशी खुशी घर आई, मेरे दादू को दिखा देगा दादा मैं जीत गई, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई और सर इसको 100 रुपीस मिला था दादू की तरफ। आज तक मुझे टॉन्ट करती है कि तुम्हारा राज मैं बताऊं। नहीं नहीं, एक और राज मैं आपको बताती हूँ। एक दफा ये फेल हो गई गलती से, इस पार्क स्टडी के पेपर में 33 पता नहीं कितने मार्क्स आए इसके, 33% नहीं 88 शायद 100 में से शायद 8 मार्क्स आए थे उसके। लिखा हुआ था चार छुट्टियां थी और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था और 100 में से 8 मार्क्स आए, मैं ऊपर आगे लिखा हुआ था टेम्परेरीली नहीं नहीं कंडीशनली प्रमोटेड, कंडीशनली प्रमोटेड और मैंने ना 8 जिसको कहते हैं ना 8 के आगे 0 लगा 8 के आगे 0 लगा दिया, देखो मम्मा जी देखे पास हो गए। और उस कंडीशनली प्रमोटेड को रिमूव करके गुड और स्टार के स्टिकर्स लगा के मैंने इसको बना के दिया कि घर जाके इसको डांटना पड़े। मैं जब स्कूल में होती थी बहुत ब्रिलियंट, हाईली ब्रिलियंट होता है फर्स्ट आते हैं सिर्फ, ये वो होती थी जो फेल होती थी। तो मेरी मम्मा पता है क्या पोजीशन आती थी, ये फर्स्ट आती थी और मेरी आती थी 23rd क्योंकि क्लास में बच्चे 23 होते थे। जब कप मिलता था मम्मा जी मुझे क्यों नहीं मिला, और मुझे मम्मा घसीटते हुए चल पढ़ना भी था चल ये हमेशा बट लाइफ में फेलियर ही आपको आगे लेके जाते हैं। तो आज हीरा माशाल्लाह सच में, यार हीरा क्या ढूंढ रही हो अभी, मेरे क्या हुआ है मेरे बैग में क्या था यार, ये किसने नकली जूती अंदर की, क्या बकवास है यार ये, इसके इसके कौन भाई उसके मुंह के अंदर तुम असली में डर गई थी रा, नहीं एक्टिंग कर रही हूँ यार। फाहिरा मेरी चुपली निकालो, चुपली ही पड़ी है 2 रुपए की, चुपली निकल आओ मेरी बाजी बायर प्लीज। ये लड़की सही डरी है थोड़ा सा, चीख नहीं मारी शुक्र है लेकिन ये देखें अंदर इसने चिपकली, मैं तो अपनी चिपकली को लिए बगैर नहीं जाऊंगी, मेरी प्यारी चिपकली, इसकी वजह से मैं पता नहीं कितने लोगों को आगे फ्यूचर में डराने वाली हूँ। क्या है? क्या मेरी आंखों से उतर ही नहीं रहा है, क्या नहीं उतर आंखों से, क्या ये ये चिपकली किस किस को नोचेगी यार, मेरा चश्मा गिरे जा रहा है यार, बदतमीज दफा हो जाओ यार, आगे मैं इतना थकी और डरा दिया मुझे शौकी ये मैंने ज़ैनब को डराना है घर जाके, तुम्हारा दिल भी है तो दिल भी है मेरे पास। चलें जी, नाउ वी आर रेडी टू गो, गाड़ी हमारी बाहर जा रही है और फिर हम लोग भी बाहर जाएंगे और अब पैकअप, मैं कब से आपको यही कही जा रही हूँ पैकअप पैकअप पैकअप, तो अब हम जा रहे हैं। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों सुबह इतनी जल्दी उठ गए थे शायद इसीलिए, ये महारानियाँ निकलने का नाम नहीं ले रही। चलो लिखो बच्चा, ओए अल्लाह, और ना ही पता नहीं क्यों आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि गाड़ी का दरवाज़ा बंद करो तो करंट लगता है, मुझे साथ पता नहीं क्यों होता है मेरे करंट लगना शुरू होता है। ये देखिए यहाँ अब हमारी पिक्चर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये मिरर जो है ना हमारी ज़िंदगी का खास मिरर। आज यार सब बनाते हैं तुम्हें रेस्ट करने। अच्छा यहाँ गलती से बफे लगा हुआ, हमें नहीं पता था कि कोई बफे सिस्टम भी यहाँ पे है, हम लोग अपनी तरफ से खाना खाने के लिए आए, फिर वो अब हमें कह रहे हैं कि इंतज़ार फरमाएं, सिर्फ एक खजूर और पानी पिया हुआ बस, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्यादती करी कि मैंने बुमरैंग बनानी है यहाँ से उठ जाओ, ये चेयर से ये लोकेशन पे, वो देखो बेचारी जाकर तो बैठ गई है राबिया, अब बैठ जाए इजाज़त है सर, इसकी 600 टेक्स होंगी स्टोरी की भी, अभी राबिया आ जाओ, ज्यादती हो गई है अब वापस जाना पड़ रहा है, इन लोगों का प्लान चेंज हो गया जहाँ पे वो कन्विंस कर रही थी ना इस वक्त, तो अभी हम मैं फुल कन्विंस्ड हो चुकी हूँ इस वक्त एंड नाउ आई एम रेडी टू गो। फजूल खाना भी नहीं मिला आज, भूखे भूखे आऊँगी भूखे। बैटरी ख़त्म, राबिया की बैटरी ख़त्म, राबिया अब ऐसे घर जाना चाह रही है, क्या हुआ है, राबिया की बैटरी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, चलाक एक्टर ये बदतमीज, तुम क्या, चलो चलो भूख लगी इस वक्त शदीद, आई लव यू होम, देखा काम के बाद थकने के बाद जो याद आती है अपनों को। सो गाइस हम लोगों ने खाना भी खा लिया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे फेस पे इतना सारा मेकअप है एंड आई हैव टू रिमूव इट, तो मैं यूज़ करती हूँ चिल्टन प्योर का क्लिनजिंग वाटर विच इज़ 100% ऑर्गेनिक, ये आपकी स्किन पे इचिंग भी नहीं करता और ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, वाटर प्रूफ मेकअप को रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। अगर आप लोगों को भी मेकअप रिमूवर चाहिए गो टू माई डिस्क्रिप्शन और वहाँ पर जाके ऑर्डर करें, लिंक मैंने मैंशन कर दी।
सो गाइस नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में. बाय बाय.